रात को आपके साथ आपके आवास पर क्या घटना घटित हुई? तो रात में 7:45 पर मैं यहीं जगह बैठा था, शासकीय काम कर रहा था। उस समय जाने मन सिंह जो दंपत अध्यक्ष के भाई हैं तो राजा के, उनका पुत्र अनमोल सिंह और एक तीसरा आदमी और थे, बाहर से गाली गलौज करते हुए, किसी तरह की कोई बात नहीं, गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे में घुसे और मेरे पकड़ करके जो है ना गाली गलौज किया, किया और साथ में। आपने कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है? मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। 2 का तो मैं नाम जानता था, तीसरे का नाम नहीं जानता था, तो मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई। सर, इस झूमा झटके की कोई ठोस वजह? कोई वजह नहीं है, कोई किसी भी तरह से कोई उनसे ना कोई बात है, ना चीज है, ना कोई खेल है, ना मुलाकात है। वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम मेरे भाई की बात नहीं मानते हो, तुम्हें मेरे भाई की बात माननी पड़ेगी अध्यक्ष की। वो यही बार बार अध्यक्ष राघव राजा की भाई अध्यक्ष राघव राजा। क्या नाम आपका? अध्यक्ष बड़ा मजा। क्या समस्या हो गई आपके थाना बड़ा मलेरा है? सिगुर साहब लो एक आवेदन था, सर क्या हुआ हुआ आवेदन का, और गलत शब्द बोलन लगे और जाति वो बोलन ले गए, जाति सूचक बोलन लगे, बोले यहाँ से कोई चैम्बर नहीं, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से भाग जा, तो कालायला पकड़ ली, धक्का मुक्की होने लगी, तो चांटा भी मार दिया। तो इतने में मुन्ना दाऊ आ रहे थे वहाँ से राजू पांडे, हमने की बीच बिचाव करो दाऊ साहब जी, तो हमें वो पकड़े हैं, उनने बीच बिचाव करो, इतने में दाऊ साहब आ गए, उनने बीच बिचाव करो, तो फिर हम फिर साथ अपने जात भाई के लोग साथ में यहाँ तक की बात भोपाल तक जाएगी। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? उनकी कार्रवाई बहुत चाहिए उनके ऊपर, सिंह साहब के ऊपर।